अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पपीता दाल। बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी है और ये दाल खाने में बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पपीता दाल बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम के करीब एक पपीता कच्चा है और ये बिल्कुल ताज़ी है दोस्तों। और इसे आपको क्या करना है, इसका छिलका है जो है इस तरीके से इसको निकाल देनी है और इसे देखिए इस तरीके से काट लेनी है। तो हमने पपीता को इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। ज़्यादा मोटा पपीता को मत काटिएगा क्योंकि पपीता गलने में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो पपीता को इस तरीके से आप काटिएगा। मसाले पे हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा प्याज और 7-8 लहसुन के दाने और काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, इसे आपको पीस लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों एक कप डाल लिया है जिसके हमने धो लिया है। ये मूंग दाल और अरहर दाल मिक्स्ड है, आप चाहो तो इसे मूंग दाल के भी बना सकते हो। तीन बार इसे पानी में आप अच्छे से तरीके से धो लें। अब हम दे देंगे पानी, 2 ग्लास के करीब हम यहाँ पर पानी यूज़ करेंगे। तो ये हमने पानी दे दिया है और जो पीसा हुआ मसाला है वो भी हमने यहाँ पर दे दिया है। और इसके साथ हम दे देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और दे देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। अब दाल को हम 5 से 7 मिनट ऐसे ही थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए दाल हमारा थोड़ी सी हो गई है। अब हम इसमें दे देंगे पपीता, तभी पपीता को हम इसमें दे देंगे और साथ ही साथ दे देंगे बारीक काटी हुई प्याज, आधी ये प्याज है। तो अब हम ढक कर इसे 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। तो 10 मिनट बाद देखिए हमारी दाल जो है वो पूरी तरीके से पक गई है। आप एक बार पपीता को चेक कर लीजिएगा, अगर आपको पपीता थोड़ा सा भी सख्त लगे तो आप थोड़ा 5 मिनट और इसे पका लीजिएगा। लेकिन हमारी जो पपीता थी वो बिल्कुल ताज़ी थी इसलिए पूरी तरीके से पक गई है। और अब हम क्या करेंगे, दाल को छौंक लगाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा हमने तेल ले लेनी है। तेल हमारी जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें दे देंगे एक सूखी मिर्च, एक तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा। तो जैसे ही चटकने लगेगी तो हम इसमें दे देंगे दाल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चटकने लगी है। तो इस तरीके से हम 2 मिनट इसे इस तरीके से चटकने देंगे। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर दे देंगे दाल, देखिए। तो इस तरीके से हमने ने पपीता दाल बनानी है। बहुत ही इजी है एंड सिंपल रेसिपी है दोस्तों। आप एक बार इस तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और ये दोस्तों बहुत ही हेल्दी होती है। यहाँ पर आप चाहो, अगर आपकी दाल थोड़ी मतलब पतली पसंद है तो आप चाहो तो थोड़ा सा पानी और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा देर और पका लेनी है दाल को, या 2 मिनट के लिए। तो हमें यहाँ पर ढक कर 2 मिनट हमें और पका लेनी है। देखिए तो हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए किस तरीके से बहुत ही अच्छी होती है खाने में दोस्तों। तो ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए एक बार दाल को गरम गरम सर्व करके दिखा देते हैं। ये देखिए हमारी दाल जो है कितनी सुंदर बनी है और पपीता जो है वो बिल्कुल गल गई है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये पपीता दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।